बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सबको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टाइप के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक अरब की उर्दू शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है। आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफा नंबर 69 पर आ जाएं। सफा नंबर 69 पर हमारा सबक अरब की उर्दू मौजूद है। तो सबसे पहले इस सबक के खास अल्फाज पढ़ लेते हैं। इस सबक के खास अल्फाज दरअसल हैं। पहला लफ्ज है हामी भरना, दूसरा लफ्ज है बजाहिर, तीसरा लफ्ज है खत्ताती, चौथा लफ्ज है इबारत और पांचवा लफ्ज है मालूमाती। दोबारा से दोहराते हैं, हामी भरना, बजाहिर, खत्ताती, इबारत, मालूमाती। अब आप सब मेरे साथ पढ़िए, हामी भरना, बजाहिर, खत्ताती, इबारत, मालूमाती। बच्चों, आपने इन तमाम खास अल्फाज को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखना है। अब आ जाइए सफा नंबर 69 पर। अब हम इस सफे की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है अरब की उर्दू। ये बहुत ही दिलचस्प सबक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इसे बहुत इंजॉय करोगे। अरब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता था। उसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ जबानें सीखने का बहुत शौक है। एक रोज अरब की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालबे इल्म अपनी इलाकाई जबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेजी जबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई तो अरब को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसने उर्दू जबान के मशहूर किरदार चचा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लास रूम से बाहर गईं, अरब लपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेजी जबान में बोला, दानियाल क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियां भी मौजूद हैं? बच्चों, दोबारा से इसी सफे की पढ़ाई करेंगे। अरब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ जबानें सीखने का बहुत शौक है। एक रोज अरब की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालबे इल्म अपनी इलाकाई जबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेजी जबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई तो अरब को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। दानियाल के वालदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से था और उसने उर्दू जबान के मशहूर किरदार चचा छक्कन की कहानी सुनाई थी। जैसे ही उस्तानी साहिबा क्लासरूम से बाहर गईं, अरब लपक कर दानियाल के पास जा पहुंचा और अंग्रेजी जबान में बोला, दानियाल क्या तुम्हारे पास ऐसी और कहानियां भी मौजूद हैं? बच्चों, हमेशा की तरह अब आप सब मेरे साथ पढ़िए। अरब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहता है। उसकी अम्मी और अब्बा को मुख्तलिफ जबानें सीखने का बहुत शौक है। एक रोज अरब की उस्तानी साहिबा ने कहा, हमारी जमात में मुख्तलिफ इलाकों के तलबा मौजूद हैं। हर तालबे इल्म अपनी इलाकाई जबान में मौजूद किसी एक कहानी का अंग्रेजी जबान में तर्जमा करे और सब बच्चों को सुनाए। अगले रोज जब सब बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई तो अरब को दानियाल की कहानी बहुत मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी।
دانیال کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس نے اردو زبان کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی تھی۔ جیسے ہی استانی صاحبہ کلاس روم سے باہر گئی، ایرک لپک کر دانیال کے پاس جا پہنچا اور انگریزی زبان میں بولا، دانیال کیا تمہارے پاس ایسی اور کہانیاں بھی موجود ہیں؟ بچوں یہ تھا صفحہ نمبر 69۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 70۔ دانیال نے کہا، بالکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرا کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، مثلاً کاف اور قاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں رے بھی پایا جاتا ہے، انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز رے جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے دو حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں، وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کا مطلب پیر کا دن۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئی۔ بچوں پھر سے اسی صفحے کی پڑھائی کریں گے۔ دانیال نے کہا، بالکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، مثلاً کاف اور قاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ پھر اردو زبان میں رے بھی پایا جاتا ہے، انگریزی زبان میں ایسا کوئی حرف نہیں جس کی آواز رے جیسی ہو۔ شروع میں ایرک نے دو حرفی الفاظ کی توڑ جوڑ سیکھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں، وہ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات بہت پسند آئی۔ بچوں اب تیسری بار اب آپ سب میرے ساتھ پڑھیے۔ دانیال نے کہا، بالکل میرے پاس ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، مگر وہ تمام کہانیاں اردو زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ایرک کچھ دیر سوچ کر بولا، کیا تم مجھے اردو زبان سکھا سکتے ہو؟ دانیال نے حامی بھر لی۔ اگلے روز جب دانیال نے ایرک کو بتایا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 38 ہے تو ایرک گھبرا گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر دانیال بولا، اردو میں کچھ حروف ایسے ہیں جو بظاہر ملتے جلتے ہیں لیکن ان کی آوازیں مختلف ہوتی ہیں، مثلاً کاف اور قاف کی آواز ایک جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں کاف کی آواز باریک اور قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے۔
फिर उर्दू जबान में रे भी पाया जाता है। अंग्रेजी जबान में ऐसा कोई हर्फ नहीं जिसकी आवाज रे जैसी हो। शुरू में एरक ने दो हर्फी अल्फाज की तोड़ जोड़ सीखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल अल्फाज पढ़ने और लिखने लगा। उसे उर्दू हर्फ की शक्ल बहुत खूबसूरत लगी। इसने दानियाल से जब इस बात का जिक्र किया तो दानियाल ने बताया, उर्दू के हरूफ खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत से माहिर लोगों ने उर्दू के खूबसूरत नमूने पेश किए हैं। मेरे चचा भी खत्तात हैं। वो खत्ताती करने के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तू अगली सोमवार मेरे घर आना, मैं तुम्हें अपने चचा से मिलवाऊंगा। सोमवार को एरक दानियाल के घर पहुंचा तो दानियाल की अम्मी ने उसे दानियाल के चचा से मिलवाया। एरक को चचा की लिखी हुई इबारत बहुत पसंद आई। बच्चों अब आ जाइए सफा नंबर 71 पर। जबकि दानियाल की अम्मी ने एरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि जबकि दानियाल की अम्मी ने एरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि इसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल कर लफ्ज खाने की जगह कहाने इस्तेमाल कर देता है। एरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। एरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो इससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू जबान में बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेजी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। एरक बोला, उर्दू जबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन ये जबान सीख कर हम बहुत से दिलचस्प कहानियां पढ़ सकते हैं। इसके बाद एरक और दानियाल मालूमाती कहानियां पढ़ने में मसरूफ हो गए। बच्चों फिर से इसी सफ़े की पढ़ाई करेंगे। दानियाल की अम्मी ने एरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि इसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल कर लफ्ज खाने की जगह कहाने इस्तेमाल कर देता है। एरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहरा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। एरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो इससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू जबान में बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेजी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। एरक बोला, उर्दू जबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन ये जबान सीख कर हम बहुत सी दिलचस्प कहानियां पढ़ सकते हैं। इसके बाद एरक और दानियाल मालूमाती कहानियां पढ़ने में मसरूफ हो गए। चलिए बच्चों तीसरी बार फिर इस सफ़े की पढ़ाई करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तीन बार एक ही सफ़े की पढ़ाई करने के बाद आपको इन तमाम असबाब की पढ़ाई अच्छे से आ जानी चाहिए। दानियाल की अम्मी ने एरक से इसकी उर्दू के मुतालिक पूछा तो एरक ने बताया कि इसने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं, लेकिन कभी कभी वो भूल कर लफ्ज खाने की जगह कहाने इस्तेमाल कर देता है। एरक से दानियाल की अम्मी ने कहा, मेरे पीछे दोहरा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। एरक ने जुमला दोहराने की कोशिश की तो इससे अल्फाज की तरतीब गलत हो गई। दानियाल की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, उर्दू जबान में बहुत से फिक्रे ऐसे हैं जिन्हें तेजी से बोला जाए तो अल्फाज की तरतीब गलत हो जाती है। इतने में दानियाल कुछ कहानी की किताबें ले आया। एरक बोला, उर्दू जबान में मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं, लेकिन ये जबान सीख कर हम बहुत सी दिलचस्प कहानियां पढ़ सकते हैं। इसके बाद एरक और दानियाल
मालूमाती कहानियां पढ़ने में मसरूफ हो गए। बच्चों ये था सबक एरिक की उर्दू। अब हम इसकी मुश्किल हल करने जा रहे हैं। इसकी मश्क नंबर एक है दिए गए मुश्किल अल्फाज के जोड़ बना, जैसा कि नून छोटी नी जमा वाव जमा ये लिफिया जमा रे का, तो क्या बन गया? न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क। दूसरा लफ्ज है बे जमा जोए अलिफ जा जमा हे रे हर बज़ाहिर, बज़ाहिर, न्यूयॉर्क बज़ाहिर। तीसरा जुमला, तीसरा लफ्ज है खे तोए खत जमा तोए अलिफ ता जमा तोए साकिन खत तात, खत तात, न्यूयॉर्क बज़ाहिर खत तात। चौथा लफ्ज है आयन बे अब जमा अलिफ रे अर जमा अलिफ ते अत, क्या बन गया? आयन बे अलिफ बा इबारत, इबारात, सॉरी इबारात, न्यूयॉर्क बज़ाहिर खत्तात इबारात। पांचवा लफ्ज है मीम आयन मा जमा लाम वालू मा लू जमा मीम अलिफ मा मा लू मा तोय छोटी इत्ती मा लू मा ती मा लू मा ती मालूमाती, न्यूयॉर्क बज़ाहिर खत्तात इबारात मालूमाती। दोबारा से दोहराइए, न्यूयॉर्क बज़ाहिर खत्तात इबारात मालूमाती, न्यूयॉर्क बज़ाहिर खत्तात इबारात मालूमाती। बच्चों ये थी मश्क नंबर एक। अब आ जाइए मश्क नंबर दो पर। दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। जैसा कि पहला जुमला है दानियाल ने उर्दू सिखाने की हामी भरी। अब लफ्ज हामी भरी के मायने है रजामंदी जाहिर करना, महारत हासिल की या फिर ख्वाहिश जाहिर की। तो लफ्ज हामी भरली का मतलब है रजामंदी जाहिर करना। इस जुमले में लफ्ज हामी भरली के मायने है रजामंदी जाहिर करना। दूसरा जुमला है उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। इसमें लफ्ज बज़ाहिर के मायने है लिखने में, देखने में, सुनने में। इस उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं। इस जुमले में लफ्ज बज़ाहिर के मायने है देखने में। उर्दू के कुछ हरूफ बज़ाहिर एक जैसे हैं, लफ्ज बज़ाहिर के मायने है देखने में। तीसरा जुमला हमारे पास है दानियाल के चचा खताती करते हैं। तो लफ्ज खताती के मायने है खूबसूरत लिखाई, तस्वीर बनाते ये भी नहीं हो सकता, पेंट करते ये भी नहीं हो सकता, तो लफ्ज खताती के मायने है खूबसूरत लिखाई। तीसरा जुमला है एरिक को चचा की लिखी हुई इबारात पसंद आई। लफ्ज इबारात के मायने है सवाल, किताब या फिर तहरीरें, तो लफ्ज इबारात के मायने है तहरीरें। चौथा जुमला है एरिक और दानियाल मालूमाती कहानियां पढ़ने में मसरूफ हो गए। यहाँ पे लफ्ज मालूमाती के मायने है खूबसूरत, रंग बिरंगी या फिर इल्म देने वाले, तो लफ्ज मालूमाती के मायने है इल्म देने वाले। बच्चों पहले जुमले में लफ्ज हामी भरली के मायने है रजामंदी जाहिर करना, दूसरे जुमले में लफ्ज बज़ाहिर के मायने है देखने में, तीसरे जुमले में लफ्ज खताती के मायने है खूबसूरत लिखाई, चौथे जुमले में लफ्ज इबारात के मायने है तहरीरें, और पांचवें जुमले में लफ्ज मालूमाती के मायने है इल्म देने वाले। बच्चों ये थी आपकी मश्क नंबर दो। अब आ जाइए मश्क नंबर तीन पर। मश्क नंबर तीन में हमारे पास अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज है हामी भरना। दानियाल ने एरिक को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। दानियाल ने एरिक को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। दूसरा लफ्ज है बज़ाहिर। उर्दू के कई अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे हैं। उर्दू के कई अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे हैं। तीसरा लफ्ज है खत्ताती। दानियाल के चचा खत्ताती करते थे।
दानियाल के चचा खत्ताती करते थे। चौथा लफ्ज है इबारत। एरक को चचा की लिखी इबारत पसंद आई। एरक को चचा की खताती पसंद आई। अगला लफ्ज है हमारे पास मालूमाती। बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए। बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए। अगला लफ्ज है हमारे पास जबान। इसका जुमला है उर्दू हमारी कौमी जबान है, इसलिए बच्चों हमें अपनी कौमी जबान बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए और ये हमें अच्छी तरह से बोलनी पढ़नी और लिखनी आना चाहिए। दोबारा से इसी मश्क को दोहरा देते हैं। हामी भरना। दानियाल ने एरक को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। बज़ाहिर उर्दू के कई अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे हैं। खताती, दानियाल के चचा खताती करते थे। इबारत, एरक को चचा की। बच्चों यहाँ इस जुमले को ठीक कर देते हैं। इबारत, एरक को चचा की लिखी हुई इबारत पसंद आई। दोबारा से दोहराइए। इबारत, एरक को चचा की लिखी हुई इबारत पसंद आई। मालूमाती, बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए। जबान, उर्दू हमारी कौमी जबान है। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। हामी भरना। दानियाल ने एरक को उर्दू सिखाने की हामी भर ली। बज़ाहिर उर्दू के कई अल्फाज बज़ाहिर एक जैसे हैं। खताती, दानियाल के चचा खताती करते थे। इबारत, एरक को चचा की लिखी हुई इबारत पसंद आई। बच्चों इस जुमले में आप सबने इसकी करेक्शन कर लेनी है। इबारत, एरक को चचा की लिखी हुई इबारत पसंद आई। मालूमाती, बच्चों को मालूमाती कहानियां पढ़नी चाहिए। जबान, उर्दू हमारी कौमी जबान है। बच्चों ये थी मश्क नंबर 3। अब आ जाइए मश्क नंबर 4, मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब तहरीर करें। पहला सवाल है, दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई? तो इसका जवाब है, दानियाल ने मालूमाती कहानी सुनाई। दूसरा सवाल है, उर्दू के हरूफ तहजी की तादाद क्या है? इस सवाल का जवाब है, उर्दू के हरूफ तहजी की तादाद 38 है। तीसरा सवाल है, दानियाल के चचा क्या काम करते थे? इसका जवाब है, दानियाल के चचा खत्ताती का काम करते थे। चौथा सवाल है, एरक कौन से दो अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता था? जवाब है, एरक खाने को कहाने इस्तेमाल करता था। दोबारा से दोहराइए, दानियाल ने कौन सी कहानी सुनाई? दानियाल ने मालूमाती कहानी सुनाई। उर्दू के हरूफ तहजी की तादाद क्या है? इसका जवाब है, उर्दू के हरूफ तहजी की तादाद 38 है। तीसरा सवाल है, दानियाल के चचा क्या काम करते थे? इसका जवाब है, दानियाल के चचा खत्ताती का काम करते थे। चौथा सवाल है, एरक कौन से दो अल्फाज को गलत इस्तेमाल करता था? इसका जवाब है, एरक खाने को खाने इस्तेमाल करता था। बच्चों ये थी मश्क नंबर 4। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पर। मश्क नंबर 5 में आपके पास दिए गए अल्फाज के जमा लिखने हैं। जैसे कि हमें पहला लफ्ज दिया गया है वाहिद, ये वाहिद अल्फाज है और ये जमा अल्फाज है। जैसे कि आला वाहिद है, इसकी जमा है आलात। तजर्बा वाहिद है, इसकी जमा है तजर्बात। वाकया वाहिद है, इसकी जमा है वाकियात। खतरा जमा है, इसकी जमा है खतरा वाहिद है, इसकी जमा है खतरात। खतरा, इसकी जमा है खतरात। बच्चों दोबारा से दोहराइए, आला आलात, तजर्बा तजर्बात, वाकया वाकियात, खतरा खतरात। एक बार फिर से दोहरा लें, आला आलात, तजर्बा तजर्बात, वाकया वाकियात, खतरा खतरात। बच्चों इन तमाम मशकों को आपने अपनी किताब में हल करना है और आपका घर का काम है
तमाम सवालात के जवाबात को कॉपी में लिखना है, इमला के अल्फाज को 5 बार खुशखत लिखना है और सबक की पढ़ाई कम से कम 3 बार करनी है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप जब भी फारिग बैठें आप अपनी उर्दू की किताब की पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी उर्दू की किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ हैं। जब आप इनकी पढ़ाई करेंगे तो इस तरीके से आप लुत्फंदोज भी होंगे और आपको पढ़ाई करना भी आ जाएगी। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।